दिवस के दिन भगवान कुबेर और धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही शाम को यमराज के नाम दीप जलाए जाते हैं, इससे यमदीप भी कहते हैं। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद शाम को ही यमराज के निमित्त दीपक जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपदान से यमदेव प्रसन्न होते हैं और परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से सुरक्षित रखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में हेम नामक राजा थे। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। बेटे की कुंडली में लिखा था कि शादी के 4 दिन बाद ही राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में राजा ने उसे एक ऐसी जगह भेजा जहाँ पे कोई लड़की की परछाई ना पड़े उस पर। लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक राजकुमारी से विवाह कर लिया। रीति के अनुसार विवाह के 4थे दिन यमराज के दूत राजकुमार के पास आए। राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी और दूतों से अकाल मृत्यु से बचने की उपाय जानना चाहा। दूतों ने सारी बातें यमराज को बताई। यमराज ने बताया कि मृत्यु अटल है, लेकिन धनतेरस के दिन यानी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में यदि कोई व्यक्ति दीप प्रज्वलित करेगा वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। इसी कारण हर साल धनतेरस पर यम का दीपक जलाने की परंपरा है। धनतेरस की शाम घर के बाहर 13 दिए जलाए जाते हैं। इन्हें मुख्य द्वार पर रखें, वहीं एक पुराना मिट्टी का दीपक के 4 बत्ती लगा लें और इसे सरसों के तेल से प्रज्वलित करें। अब घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस दीपक को जलाएं और मंत्र का उच्चारण करते हुए कहिए। कहते हैं कि इसे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है और नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती है। मृत्युना पाश दंडाभ्याम कालेन श्यामया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतां मम।